हेलो हाय हाँ भाई कैसे हो आप सभी। वी आर डन इन शॉर्ट टू इंस्पायर फॉर इन एवरी पर्सन एंड एवरी पीपल पर्सन एंड सम इज द फ्यूचर। मेरी बात को बहुत सीधी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर एजुकेशन मोटिवेशनल स्पीकर। वी आर डन इन सम वर्ल्ड एंड चेंज योर लाइफ। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे हैं। बात करते हैं कुछ लोगों के अंदर ईगो और प्राउड और घमंड क्यों आता है। कुछ लोग दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं जो घमंडी हो जाते हैं। व्हाट सम इज पीपल मैक्सिमम अनलिमिटेड ईगो होता है। ईगो वो चीज होती है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला बना देती है। क्या आप जानते हो ईगो क्या चीज होती है? छोटा सा मेरा एग्जाम्पल है, बात को बहुत सीरियस होने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रिश्ता बनाने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है एक अहंकार होता है जो जिंदगी में जो रिलेशन बनाते लोग उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट होती है। और एक अहंकार इंसान को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं और बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना, बहुत सीरियस होकर बहुत ही ध्यान से समझना। दोस्तों मेरी बात को यदि आज आपने ध्यान से समझ लिया, वी आर डन इन सीरियस नाउ विद माय वर्ड, डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। अहंकार और एक ईगो को बदल जाए। क्या आप जानते हो ईगो का मतलब क्या होता है? हम बात करते हैं जो इंसान का अहंकार जो होता है अंदर ही अंदर से खोखला बना देता है। क्या आपने कभी सोचा है अहंकार का मतलब क्या होता है? एक बार एक गधा था। बात को हम गधा से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि अहंकार ईगो गधा के एक बराबर है। जो लोगों के अंदर ईगो है घमंड है वो लोग गधे से कम नहीं है। बट बात को बुरा मत मानना और सीरियस समझने की कोशिश करना। एक बार एक गधा था। गधा का मालिक क्या काम करता था? गधे के मालिक ने गधे के ऊपर एक भगवान की मूर्ति रखी और एक मूर्ति उसकी पीठ पर रखी। तो जैसे ही वो जाता था मार्केट के अंदर, सारे लोग उसके सामने झुकते थे और झुकने के बाद उसकी वर्षिप करते थे। कुछ जो कोई कुछ पैसे दे देते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 40 50 जो भी उनके कैप्चर की होती थी। तो मार्केट के अंदर यह सिलसिला काफी लॉन्ग टाइम से चल रहा था। अब गधे जब बार बार जब गधे के सामने सारे लोग हाथ जोड़ के जब झुकते तो गधा को विश्वास हो गया मैं एक बहुत बड़ा इंसान हूं, मतलब बहुत बड़ा सब कुछ मैं ही हूं। मेरे लोग बार सारे ही मेरे सामने झुकते हैं तो कहने को लगा कि ये जो मेरा मालिक है ये कोई कर्म का नहीं है, मेरी बहुत बड़ी पहचान है और सारे लोग मुझे झुकते हैं तो मेरे बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। एक बार होता क्या है, बात को सीरियस होगा। गधे के ऊपर मंदिर रखा हुआ था। मंदिर जब रखा था तो गधे का मालिक उसको मार्केट लेके जाता था। तो मार्केट उसका काम था मांगना, भिखारी पोजीशन में था, बेघर था, उसके पर्पस से कुछ ना कुछ दूसरों से मांगा करता था। तो जब सारे लोग गधे के सामने हाथ जोड़ के और उसकी पूजा करते थे और उसका मान सम्मान करते थे और कुछ उसको जो भी थे वो मंदिर में पैसे रखते थे, जो लोग थे वो मंदिर के सामने वो एक्टिविटीज कर रहे थे टेंपल के सामने, लेकिन गधा ये सोच रहा था कि मेरा कितना बड़ा दर्शन है, क्या लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है? जब ऐसे चलता रहा था एक दिन गधे का जो मालिक था वो किसी काम से कहीं बाहर चला गया था और जब बाहर गया था उसको कोई इंपोर्टेंट काम था। जैसे बाहर गया था तो गधा घर पे उससे कहा इसको भी आराम करने दो और उसको कॉल के घर में छोड़ दिया जो उसका आसपास का जो भी था। तो उसने जब गधा को छोड़ दिया तो गधे ने माइंड लगाया, गधे ने दिमाग लगाया क्यों ना लोगों की याद में परीक्षा लेता हूं, रोज मुझे झुकते हैं। तो वो मार्केट की तरफ चल पड़ा क्योंकि मंदिर था, मालिक था नहीं तो गधे के ऊपर पीठ में मंदिर रखा नहीं। तो गधा सीधा मार्केट पहुंच गया। अब मार्केट में दुकान जी दुकानों से वो जाता था जहां लोग बाग उसकी मान सम्मान करते, वहां जाने के बाद दुकान के सामने खड़ा रहा, इंतजार करने लगा कि लोग बाग मुझे पूछेंगे।
और ढेंचू ढेंचू करने लगा। जब ढेंचू ढेंचू कर रहा था तो दुकानदार को बहुत गुस्सा आया था, ये गधा कहां से आ गया था, कोई बताइए। उस टाइम तो स्पेशल पहचान थी, उसके ऊपर मंदिर रखा हुआ था। लेकिन जब ढेंचू था तो उसने ऑर्डर दिया दुकानदार ने अपने नौकरों को, जाओ इस गधे के लठ मारो। और नौकर टूट के पड़े और गधे में चार लठ मारने लगा। गधा ढेंचू ढेंचू करता अब ये दुकान पे पहुंचा। उसने सोचा कि ये लोग मुझे बहुत मान सम्मान मेरे सामने झुकते हैं, ये आशा थी उसे कि मेरे सामने झुकेंगे, मुझे मेरी पूजा करेंगे और मेरा मान सम्मान करेंगे। तो ऐसे ही जब उसने दूसरी दुकान पे, तो उसमें भी ऐसे ही रिजल्ट मिला। गधे की बढ़िया तरह से पिटाई हो गई। पिटाई होने के बाद में गधा घर पे आ गया। तो जो मैं कह रहा हूं इस बात को समझने का मतलब ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप के अंदर सब कुछ समझ लेते हैं। इस दुनिया के अंदर कोई इंसान देखा जाता है तो कंप्लीटेड नहीं है, सिंधी में होती यूनियन इंस्ट्रा है। मान लीजिए कुछ लोग 10,000 20,000 50,000 लाख 2,00,000 5,00,000 कमा भी लेते हैं तो बाद में ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बन गए। जिंदगी के अंदर अपनी औकात को कंट्रोल करो। यदि जीवन में कुछ बनना है तो अपनी औकात को लाइफ में मत भूलो। और मेन चीज ये होती है, जो आपको एक बार रैपो मिलती है उसकी जीवन भर कदर करो। कुछ लोगों कंपनी में जॉब मिलने के बाद में सोचते हैं, ये कंपनी के अंदर कुछ मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ दिन बाद एंटर हुए और कुछ दिन 2-3 साल में वो करोड़पति बन जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बनने के बाद वो सोचते हैं कंपनी मेरे भरोसे चलती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी अपने दम पर चलती है। यदि कंपनी से, ऐसे मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे, बहुत एग्जाम्पल देखे हैं, और उनके साथ में अक्सर ये होता है कि वो सोचते हैं कि हम सब कुछ है और कंपनी छोड़ने के बाद उसी वाली पोजीशन में जहां पहले थे। इसलिए अपने अंदर ईगो धूप डिलीट मारो। ईगो एक अंदर से इंसान को खोखला करता है। गर्व चीज, गर्व एक विशाल होता है। गर्व वो चीज होती है जो इंसान के हृदय को विशाल बनाता है। और एक पॉजिटिव सोच के आधार पर गर्व होना चाहिए, हमें ये चीज मिली। तो कहने का मतलब ये कि अपनी जिंदगी में कुछ नया करो। यदि आप करना चाहते हो, यदि आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्लानेशन है, क्या आप सोचते हो, क्या आपकी माइंड के थॉट्स है, क्या आइडियाज है, क्या विचार है, क्या आपने कभी सोचा है हमें जीवन के अंदर सब कुछ करते हुए दूसरों का सहयोग लेना है। यदि कंपटीशन के अंदर सक्सेस होना है, अर्निंग सोर्स में बहुत बड़ा लेवल हासिल करना है, तो अपने आप के अंदर कंपटीशन की क्वालिटी लेके आना है। वी आर डन श्योर इज कंप्लीटेड माई वर्ड इन सीरियस नाउ इज इन एवरी बडी इज वी आर है सक्सेसफुल माई दिन वर्ड और सेकंड इन सीरियस नाउ द चेंज योर लाइफ अफेक्शनेटली द फॉलोइंग सम इंडिविजुअल्स और सेकंड नाउ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे अंदर अपनी क्वालिटी, अपने टैलेंट और अपनी पीटी और आपकी जीनियस क्वालिटी क्या है, उसको पहचानो। सब कुछ करने की पावर से आपके अंदर, लेकिन सबसे बड़ी ये सिस्टम क्या होता है कि हम पहचान नहीं पाते हम क्या है।